देखिए हमारे यहाँ एक हिंदी में कहावत है कि गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने का किसी को ज्ञान नहीं दिया करते। मतलब आप तो गुड़ खा रहे हो और गुड़ से ही बनी दूसरी वस्तु से आप परहेज करने की बात कर रहे हो, और ये बात राहुल गांधी जी वंशवाद के बारे में कर रहे हैं, अपने ही नेताओं के बेटों को टिकट देने के बारे में कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की राजनीति में उत्पत्ति, उद्भव और विकास, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का सफर केवल और केवल वंशवाद के आधार पर हुआ है। पूरी कांग्रेस एक ही खानदान के आधार पर चलने वाली पार्टी है, फिर नीचे छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे वंश के आधार पर ये पार्टी को संचालित करते रहे हैं। अब किस मुंह से वंशवाद को रोक रहे हैं? अगर साहस है तो अपने बारे में विचार करिए। इससे पार्टी में टकराव की स्थिति देखिए, पार्टी में तो निश्चित तौर पर भीषण टकराहट है, अंतर्विरोध है, एक दूसरे को ना स्वीकार कर पाने का जो माहौल कांग्रेस के अंदर पहले था, आज वही तेजी के साथ में बयानों में, सोशल मीडिया की पोस्टों में उजागर हो रहा है। और मध्य प्रदेश की राजनीति पर इसका भीषण असर पड़ने वाला है। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 23 मई के चुनाव के परिणाम के बाद कमलनाथ की कुर्सी के चारों पाए हिलना शुरू हो जाएंगे, पाए हिलना कमलनाथ जी की कुर्सी के शुरू हो चुके हैं।